ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूं जो कि जो भी आपको देखेगा उसको वशीभूत कर देगा। एक ऐसा मंत्र जिससे कि सर्वजन वशीकरण संभव है, अर्थात सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, अगर 1,00,000 लोग भी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वो आपसे वशीभूत हो जाएंगे। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको कि लोगों को अपने अधीन करना होता है। मुंबई से कई बार मेरे पास जो हैं ऐसे प्रोफेशन वाले भी आते हैं जिनको कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना होता है, तो उनके लिए मैं मोहिनी बना कर देता हूँ। ठीक उसी प्रकार ये जो गणपति हैं, ये गणपति सिर्फ मोहिनी का काम नहीं करते, ये सर्वजन वशीकरण का काम करते हैं। आपके जितने भी जीवन में व्याधियां चल रही हों, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई कलेश हो, उसको काट देता है। बड़ा ही गुप्त, बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग जो कि सिर्फ वशीकरण का नहीं अपितु आपके जीवन को संवारने का काम करेगा। इसे कहा जाता है सफ़ेद आँख विघ्नहर्ता गणपति, जो कि जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को आपसे कोसों दूर रखते हैं। चलिए इनकी विधि समझ लेते हैं कैसे करना है। इनका जो दिन होगा, पूजन विधि जो है आपको, वो बुधवार को करनी है। बुध काम शुद्ध कहा भी गया है, तो बुधवार के दिन आपको लाल रंग का आसन कहीं से भी ऊनी आसन अर्जित कर लेना है। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कीजिएगा और 21,000 बार इस मंत्र को जप लेना है। जो सफ़ेद आग का गणपति होता है वो बनाइएगा। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी ये जो गणपति हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जो गणपति होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की अपनी ही विधि होती है, और ये इतनी गोपनीय है कि कोई 1,00,000 रुपए देने पर भी आपको ना बताए। ये एक ऐसा चमत्कारिक तंत्र है जो कि जीवन में से हर प्रकार के दुख कष्ट को आपसे कोसों दूर रखेगा। और इसको बनाने की विधि जो है वो बहुत ही सरल है, लेकिन ज्ञान के अभाव में जो आम जनता है वो इसे नहीं बना पाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर में एक सफ़ेद आग का पौधा लगाइए, जब कम से कम वो 3-4 साल का हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए और पेड़ के समान हो जाए 10 फुट तक का, तब उसकी जड़ में जो है प्राकृतिक रूप से गणपति बनते हैं। आपको क्या करना है, उन गणपति को निकाल लेना है। पेड़ की जड़ को फाड़िएगा तो आपको गणपति जैसी आकृति दिखेगी, तो आपको उस आकृति को अर्जित कर लेना है। इसके बाद इस मंत्र से 21,000 की संख्या में आपको यथासंभव मूंगी की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, समय आप दिन का कोई भी ले सकते हैं और बुधवार का दिन होना चाहिए, 21,000 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद आप धूप, दीपक, नवेद जो भी अर्पित कर सकें वो आपको उस सफ़ेद आग के गणपति को अर्जित करना है। इसके बाद ये जो गणपति हैं ये सिद्ध हो जाते हैं और आपको आपके इच्छित फल प्रदान करते हैं, कुछ ऐसा जो कि अलौकिक होगा, जो इस दुनिया से परे है। जिस किसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे वो आपको पलक झपकते ही मिल जाएगी। यदि कोई बीमारी हो, कुछ ऐसा कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो, तो उसमें भी ये जो श्वेत आग गणपति है ये बहुत ही प्रभावी है। पहली बात तो जिसके घर में ये सफ़ेद आग का गणपति होगा वहाँ पर कोई भी विघ्न नहीं आएगी, किसी भी तरह का कोई भी काला जादू, आसे, भूत प्रेत, इनका साया घर में आ भी नहीं सकता। मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब मैं हिमाचल में था, तो वहाँ पर एक पौधा होता है तिरमिरे का, एक तिरमिरा,
और एक सफ़ेद आँख, ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। यदि तिरमिरा कहीं से मिल जाए तो वो उसकी एक टंडी आप अपने सिंह द्वार पे लगा दीजिए, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो रोकी जा सकती हैं। लेकिन जो सफ़ेद आँख है वो हर जगह उपलब्ध है, आप कहीं से भी इसको अर्जित कर सकते हैं, जहाँ भी मिले। तो बुधवार के दिन आप उसको फाड़ लाइए और नीचे आपको जड़ में गणपति की मूर्ति दिखेगी, उसको तराश लीजिए या फिर किसी खाती से या फिर किसी कारपेंटर को दे दीजिए, वो बनाकर दे देगा। और याद रहे कि जो आप दे रहे हैं आपको वही मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये बहुमूल्य होती है, मिलती नहीं है आसानी से, तो इसमें हेर फेर की बहुत संभावना होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर खुद बनाएं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बनवाएं जिस पर कि आपको पूरा भरोसा हो। इसके बाद गणपति जी को आसन पर बिठाएं और उनकी धूप दीपक दिखाएं। बुधवार के दिन ये सारा जो कर्म है ये आपको करना है। और इसके बाद इस मंत्र से उनको जो है उनके भीतर प्राण डालने हैं। जब तक ये मंत्र पढ़ा नहीं जाएगा तब तक उनके भीतर प्राण नहीं आएंगे। एक बार ये मंत्र पढ़ दिया गया तो वो चैतन्य हो जाएंगे। इसके बाद यूं समझिएगा कि आपने स्वयं भगवान गणेश का जो है आवाहन कर दिया है आपके जीवन में आने के लिए। और जिसके जीवन में गणपति आ जाएं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दरिद्रता रह ही नहीं सकती, ये रिद्धि सिद्धि अपने साथ लेकर चलते हैं। तो मंत्र गौर से सुनिएगा, ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः। ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको 21,000 की संख्या में 7 दिन तक जाप करना है, उसी श्वेतार गणपति के सामने धूप दीपक जलाकर। और ये बुधवार से कर्म आपको शुरू करना है और अगले बुधवार को आपको इनको जो है मंदिर में स्थापित कर लेना है। यथासंभव जितनी मिठाई आप रख सकते हैं वो रखिए, मोदक रखिए और कुछ ऐसे फूल रखिए जो कि लाल रंग में हो, और अगर कनेर के फूल मिल पाए तो वो बहुत बेहतर है, जो पीली कनेर होती है। पीली कनेर के फूल जो हैं वो इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं, मतलब कि अगर आपने वो रख दिए तो ये समझिए कि आपका 50% काम तो हो ही गया। अगर वो ना हो तो आप लाल रंग के फूल भी रख सकते हैं, गुड़हल रख दीजिए और गुलाब का रख दीजिए, तो ये सारे फूल आप रख सकते हैं। अब जो दिशा होगी वो होगी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है और इस मंत्र को शुरू कर देना है। जब आप इसकी चैंटिंग ख़त्म कर लें, जैसे कि मान लीजिए आज आपने बुधवार को शुरू किया और अगले बुधवार को आप छोड़ रहे हैं, तो सारा जो सामान है उसको इकट्ठा करके अपने आसपास जो कोई बड़ी नदी बहती हो उसमें जाकर इसको विसर्जित कर दें। तो इससे ये होगा कि आपका जो श्वेता गणपति होंगे उनमें प्राण आ जाएंगे। चैतन्य होने के बाद आपके भाग्य संवारने में वो तनिक भी देरी नहीं करेंगे। तो यदि आप इसको बनाने में असमर्थ हों तो आप जा सकते हैं kalividya.com पर, जहाँ पर कि आपको श्वेतार के गणपति मिल जाएंगे। और हर एक चीज़ जो भी kalividya.com पर है वो सारी कुछ टेस्टेड है, वो सारी मैं टेस्ट करता हूँ और उसके बाद ही वहाँ पर जो है डाली जाती है। और ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा जो कि हाथ से ना बना हो, सब कुछ जो है हाथ से बने हुए सारे यंत्र हैं, हस्तलिखित आपको यंत्र मिलेंगे और सारी चीज़ें जो है काम करती हैं। तो इस विधि से आप इनको चैतन्य कर सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। यदि कोई दुकान बंद पड़ी हो, किसी को अपने वशीभूत करना हो, किसी को आकर्षित करना हो, या फिर बहुत सारे लोगों को अपनी बात मनानी हो, तो भी ये बहुत ही काम में आते हैं। बस इनकी जो है छोटी सी मूर्ति बन जाती है, उनको अपने साथ रखें और फिर देखिएगा जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ एक विचित्र सी शक्ति आपके साथ रहेगी जो आपकी आपका काम बनाना शुरू कर देगी। ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहाँ पर आप जाएं और आपका काम ना बने। जहाँ पर भी आपको लगता हो कि
ये काम आपका रुक सकता है, बनेगा नहीं, तो बस इन गणपति को अपने साथ ले जाएं और फिर देखिए किस तरह से जो नामुमकिन काम था ना, वो भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। आपको अगर 1% भी ऐसा लगता हो कि काम नहीं बनेगा, तो बस इस मूर्ति को उस स्थान पर ले जाएं और फिर देखिए किस तरह से जो आपके विघ्न होगी उसको विघ्नहर्ता हर लेंगे। इनको कहा ही जाता है ऑब्स्टिकल रिमूवर देवता, जो कि किसी भी तरह की विघ्न को क्षण में हर लेते हैं। और ये इतना पुराना गूढ़ रहस्य है जो मैंने आज आपको बताया है, बहुत ही आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन ये जिसने सटीक बना लिया उसकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। ऐसा कोई उसका विचार, ऐसा कोई मन में इच्छा नहीं रहेगी जो कि फलित ना हो। ये इतना चमत्कारी है कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो बहुत थोड़ा है, अतुल्य है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। शब्द जो है वो छोटे पड़ रहे हैं इनको समझाने में, लेकिन आप ज़्यादा समझिएगा कि इस जैसी जो है मूर्ति आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगी। तो इसको जब भी आपको कोई सफ़ेद आग दिखे तो ज़रूर बनाएं और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपकी ज़िंदगी में होने शुरू होते हैं। और मुझे बताइएगा कि किस तरह से भगवान गणपति ने आपका जो है जीवन संवार दिया, किस तरह से इस प्रयोग ने आपके लिए काम किया। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9982416625 पर। धन्यवाद।